हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था, ठीक है ना, और हाउ टू कन्वर्ट दैट रिपीटिंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, और हमने देखा था हाउ टू ओपन अ मॉड। तो थोड़ा मॉड के ऊपर और डिस्कशन ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इससे कुछ बच्चों का क्वेरीज था कि सर वो एक बार और वो यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स और कराना है, सो आई विल डू दैट थिंग ऑल्सो इन टुडेज़ क्लास, ठीक है। और फिर देखते हैं कुछ नया पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू ओपन अ मॉड, आई विल कंटिन्यू। तो मैंने कैसे बताया था कि जैसे मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस सेवन लिखा है, ठीक है ना। तो हम 9-10 तक क्या पढ़ते थे कि हम डायरेक्टली हम ऐसे लिखते थे मॉड हटा के प्लस माइनस एक्स माइनस सेवन, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है ना, विच इज़ नॉट द करेक्ट वे। अब हमें प्रॉपरली लिखना है कंडीशन के साथ कि x माइनस सेवन कब होगा और माइनस टाइम्स x माइनस सेवन कब होगा, ठीक है ना, विथ प्रॉपर कंडीशंस। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या बताया था, हम ये देखेंगे कि मॉड के अंदर जो भी x का एक्सप्रेशन लिखा है वो पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव कब से मेरा मतलब क्या है, किन वैल्यू ऑफ x के लिए मॉड के अंदर जो भी लिखा है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव कब है, किन x के लिए ये पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस मॉड ऑफ x माइनस सेवन, दिस इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन सेवन। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसको मैं कैसे लिखूँगा, फॉर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज पॉजिटिव, उन वैल्यूज ऑफ x के लिए मॉड को आई विल ओपन डायरेक्टली। तो इसको मैं लिखूँगा, मॉड को हटा दिया मैंने, x माइनस सेवन लिखा, कब, विथ कंडीशन, कब, वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन। इक्वालिटी इधर भी लगा सकते हो, नीचे वाले में भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज x इज इक्वल टू सेवन पे दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। फिर मैंने बोला अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन के लिए तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है, एंड ऑफकोर्स नेगेटिव कब होगा, फॉर x लेस देन सेवन के लिए। तो अगर x लेस देन सेवन है तो दिस क्वान्टिटी इज नेगेटिव, तो फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x आई विल ओपन द मॉड विद अ नेगेटिव साइन, मतलब आई विल राइट लाइक दिस वे माइनस ऑफ x माइनस सेवन, एंड ये कब हो रहा है, व्हेन x इज लेस देन सेवन। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग द मॉड, ठीक है। अभी एक दो इलस्ट्रेशन और करेंगे हम तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो लेट मी रब दिस पार्ट, कॉपी करते जाना, ठीक है, बहुत काम आएगा, ये छोटे छोटे टूल्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जेई में वो तुम्हें ये बोलेगा हाउ टू ओपन अ मॉड का क्वेश्चन देगा, नहीं, वो कहीं पे बल्कि क्वेश्चन में ये छोटे छोटे टूल्स हैं ना, ये काम आएंगे हमारे, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स प्लस ट्वेंटी वन, एक्स प्लस ट्वेंटी वन हाउ टू ओपन इट, तो मैं क्या देखूंगा कि जो x प्लस ट्वेंटी वन है ये पॉजिटिव कब है, तो x प्लस ट्वेंटी वन पॉजिटिव कब होगा, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन। मैंने बोला या तो अलग से इसको सॉल्व कर लो, x प्लस ट्वेंटी वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो x कितना मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन। इसका मतलब अगर मैं माइनस वन, माइनस ट्वेंटी वन से बड़ा नंबर डालूंगा इधर, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव, और मुझे पता है उन वैल्यूज ऑफ x के लिए आई विल डायरेक्टली रिमूव द मॉड, सो दिस विल बी x प्लस ट्वेंटी वन प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी वन। और यही चीज नेगेटिव के साथ ओपन होगी, कब, व्हेन x इज लेस देन ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी वन, गेटिंग इट। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, करना ये तो आई होप समझ में आया होगा, बिकॉज सेम इलस्ट्रेशन हमने कल की क्लास में लिए थे। अब देखना मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब करो, नाउ यू ट्राई इट वंस, देखते हैं कौन कौन सही करता है, ठीक है, हमें बताओ इसको फाइनली। तो देखो मैंने बोला कि हम क्या, अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक तरीका तो क्या है, प्रोसीजर है जो मैं भी एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बट इधर तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है क्या चीज़, कि अगर मैंने एक्स को, सुनना ध्यान से, अगर मैंने एक्स को टू या टू से बड़ा नंबर डाला, एक्स को अगर टू या टू से बड़ा नंबर डाला, तो वट एवर इज रिटर्न इन साइड द मॉड दैट इज पॉजिटिव, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मतलब विदाउट मॉड ऐसे ही रिमूव हो गया विदाउट एनी चेंज, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। एक तो ये तो बच्चे लोग इतना तो कर ही लेते हैं, बट एक चीज़ और, एक जगह और ऐसे ही ओपन होगा, कब, अब ध्यान देखो कि एक्स स्क्वायर लिखा है, मैंने बोला अगर मैंने इसके अंदर माइनस टू से छोटा नंबर डाला ना, फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, तब भी ये मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव, कब, व्हेन x इज लेस देन माइनस टू, रख के देख लो, माइनस टू से छोटा डालोगे तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो फोर से बड़ा होगा, फोर से बड़ा होगा माइनस फोर विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, यही चीज एक्स स्क्वायर माइनस फोर ही होगी व्हेन x इज लेस देन माइनस टू, मतलब टू से बड़ा डालूं या माइनस टू से छोटा डालूं, इन बोथ द सिनेरियोस
mod will open directly. क्यों? Because in both the cases, जो mod के अंदर जो लिखा है that is positive. अब आते हैं माइनस टू से टू वाले इंटरवल में. अब मैंने बोला कि अगर x जो है मेरा माइनस टू से टू होगा तब ध्यान से देखो mod के अंदर जो भी लिखा है that is negative. For x lying between minus 2 से 2, whatever is written inside the mod is negative. Therefore, mod will open with a negative sign. So, this is minus times x square minus 4. Kab? When x is lying between 2 and minus 2. So, this is the correct way of opening this particular mod. ठीक है ना? तो इसको तो हम club करके ऐसे एक साथ लिख सकते हैं. इन दोनों को मैं club करके एक साथ लिख सकता हूँ. X is greater than equals to 2. अच्छा चलो सेट के फॉर्म में इसको प्रॉपर लिखते हैं. मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से. एक्स स्क्वायर माइनस फोर फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू. अब एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू क्लोज यूनियन. और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू इसको लिख सकता हूँ टू क्लोज से इन्फिनिटी ओपन. सिमिलरली इस वाले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू ओपन से टू ओपन. दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग दिस पर्टिकुलर मॉड. ठीक है ना? मुझे व्हाट्सअप करके बताना किसने ये सही लिखा है. बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने लिखा होगा, बट आई होप समझ में आया होगा. ठीक है ना? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं. ठीक है ना? हमें ये देखना है बस कुल मिला के इन शॉर्ट कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना वो किन वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव है. उन वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए मॉड विल ओपन एज इट इज. और अगर और फिर देखेंगे हम वो अंदर वाली क्वांटिटी किन एक्स के लिए नेगेटिव है. फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन. यही स्टेटमेंट याद कर लो. ठीक है चलो. और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और क्लियर होंगी. ठीक है ना? हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हो तो बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है. ठीक है ना? चलो एक आध और देखते हैं थोड़ा. अब मैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूँ. बाकी अगेन जब मॉड अभी हमारा प्रॉपर मॉड आएगा इस आगे के पार्ट्स में तब और क्लियरिटी आएगी. ठीक है ना? सो डोंट गेट मतलब ऐसे नहीं कि हमें समझ में नहीं आया अब क्या करूँ. डोंट वरी, नो वरीज एट ऑल. ठीक है चलो. अब मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन. चलो ऐसे लिख लिया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. चलो करो अब इसको. ये उससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो गया. मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू मॉड इंटू एक्स माइनस थ्री. अभी तो दो फैक्टर्स आ गए. एक था तो चलो आसान हो रहा था हमारा काम. अब इन सब सिनेरियोस हम करेंगे कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा देखना ध्यान से. हम क्या करेंगे जब x माइनस वन लिखा है ना ये जीरो कब हो रहा है? वन पे जीरो हो रहा है. बाकी इसको मैं लिखवाऊंगा दैट इज कॉल्ड रूट अभी लेटर ऑन. बट फॉर टाइम बी वट एवर जो फैक्टर लिखे हैं वो जीरो कब हो रहा है? एक तो वन पे जीरो हो रहा है, एक थ्री पे जीरो हो रहा है. तो इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया. लेट से दिस इज वन, दिस इज थ्री. देखना ऐसा मार्क करने से क्या हो गया, मेरा जो पूरी रियल एक्सिस है ना, माई एंटायर रियल एक्सिस इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स, थ्री पार्ट्स, वन टू एंड थ्री. ये समझ में आ रहा है? ये वन और थ्री क्या है? जो भी अंदर फैक्टर्स लिखे हैं ना उनको मैं जीरो को इक्वेट करूंगा तो एक्स की वो वैल्यूज. बाकी हम इसको क्या बोलते हैं आगे चल के देखेंगे आज ही की क्लास में. वी आर कॉलिंग इट एज रूट्स. तो एक्स माइनस वन कहाँ जीरो होगा? वन पे. तो मैंने वन मार्क किया. एक्स माइनस थ्री जीरो कहाँ होगा? थ्री पे. तो मैंने थ्री मार्क किया. ठीक है इतना किया. अब चलो अब मैंने बोला कि इस रीजन पे पहले फोकस करते हैं. वील फर्स्ट फोकस ऑन दिस रीजन. ठीक है इस रीजन पे फोकस करते हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर रीजन मतलब फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री यू कैन सी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री के लिए हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनालाइजिंग द एंटायर डोमेन बाय ब्रेकिंग इट इनटू थ्री रीजन्स. एक एक रीजन में हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. अच्छा तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है एंटायर थिंग दैट इज पॉजिटिव. तो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन. तो मॉड को हम ओपन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. गेटिंग इट फॉर दिस रीजन? ठीक है ना? प्रॉपर अभी लैंग्वेज में लिखूंगा, अभी तो मैं इधर मार्क कर रहा हूँ केवल. अच्छा अब मैंने बोला इस रीजन के लिए वन से लेके थ्री के लिए, वन से लेके थ्री के लिए यू कैन सी, देखना ध्यान से देखना, वन से थ्री एक काम करो तुम तो कोई एक नंबर पकड़ लो. लेट से टू पकड़ लिया मैंने. तो यू कैन सी कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. फॉर एनी एक्स लाइंग बिटवीन वन से थ्री वी आर गेटिंग वन फैक्टर पॉजिटिव, वन फैक्टर नेगेटिव. तो वॉट इज द प्रोडक्ट? ऑफकोर्स नेगेटिव. तो मॉड के अंदर क्या आ गया? ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आ गई. तो मॉड को मैं कैसे ओपन करूंगा? विद अ नेगेटिव साइन. तो इधर मेरा क्या जाएगा? माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. एंड लास्टली वी आर लेफ्ट आउट विद दिस रीजन. नाउ वॉट हैपन्स एक्स लेस देन वन के लिए? कोई भी एक नंबर पकड़ लिया, लेट्स से जीरो ही पकड़ लिया, लेस देन वन है. तो
क्या होगा, दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा. फॉर एक्स लेस देन वन, यू कैन सी, यू कैन वेरीफाई बाई पुटिंग एनी वैल्यूज विच इज लेस देन वन, वॉट यू गेट, दिस फैक्टर नेगेटिव, दिस फैक्टर नेगेटिव, तो नेगेटिव इन टू नेगेटिव यू गेट पॉजिटिव. अब मॉड के अंदर जो आ गया हमारा, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव, तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, तो वॉट यू गेट, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. तो फाइनली हम इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखूंगा, देखना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये और ये तो सेम दिख रहा है, ये और ये, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, कब, किन एक्स के लिए, एक तो वन से छोटे एक्स, तो मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज, एक तो ये रीजन प्लस ये रीजन थ्री से इन्फिनिटी, तो मैं इधर ही ऐड कर देता हूँ, यूनियन थ्री क्लोज से इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी ये वाला पार्ट, माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू वन से थ्री, सो दिस इज वन से थ्री, सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ओपनिंग दिस. ठीक है, क्लियर हुआ, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, डोंट वरी, हम और एग्जाम्पल ले लेंगे, चीज़ें क्लियर करके ही रहेंगे आज. ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी मतलब देखा है अधिकतर बच्चों को, जब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 सालों से, सबसे पहले वो इधर ही आके अटकते हैं, अभी तक तो चीज़ें स्मूथ जाती हैं, ठीक है ना, मॉड में आके थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है, ऐसा नहीं बोल रहा सभी को, इन फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बट आज नहीं होगा वो दिक्कत, क्योंकि हम और इलस्ट्रेशंस लेंगे. ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं. चलो, तो मैंने बोला हाउ टू ओपन मॉड में, एक और क्वेश्चन अब ये तुम लोग करना, पहले ट्राई करो x प्लस वन एक्स माइनस टू मॉड, मुझे इसको ओपन करना है, क्योंकि मैं अभी तो मैंने दो ही फैक्टर लिए हैं, मैं मॉड के अंदर तीन भी ले सकता हूँ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, बट अभी नहीं बढ़ाऊंगा मैं वो, जो मॉड के अंदर अभी मैं दो तक के करा देता हूँ, एक काम करूँगा, एक क्वेश्चन में तीन का तुम्हें होमवर्क देख दूंगा, फिर देखते हैं तुम में से कौन ओपन कर पाता है इसको, ठीक है ना, बट बिफोर दैट पहले हम दो फैक्टर वाला एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, और एक बार तुम लोग पॉज करके खुद से देखो एक बार, ठीक है. चलो, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम क्या करना है तुम्हें, मॉड के अंदर दो फैक्टर लिखे, एक एक्स प्लस वन एक एक्स माइनस टू, तो ये कब जीरो होता है, माइनस वन पे, और ये कब जीरो होगा, टू पे, तो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया माइनस वन एंड टू, ऐसा करने पे क्या हुआ, मेरा जो पूरा रियल एक्सिस है वो कितने भाग में डिवाइड हो गया, तीन रीजन्स में, तीन भागों में, दैट इज, दिस इज रीजन वन, रीजन टू एंड रीजन थ्री. ठीक है, अब मैं एक एक रीजन पकड़ता हूँ, तो मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट रीजन, तो मैंने बोला अगर x 2 से बड़ा है, वी आर एनालाइजिंग फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मैंने बोला अगर x 2 से बड़ा है तो मेरा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है फॉर x ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स वॉट, एंटायर थिंग इन द मॉड इज पॉजिटिव, सो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x, सो आई विल गेट हियर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, आर यू गेटिंग इट, नाउ लेट्स मूव टू द दिस रीजन, और इस रीजन में माइनस वन से टू रीजन में हमने कोई भी एक वैल्यू पकड़ी एक्स की, लेट्स से जीरो ही पकड़ ली, तो दिख रहा है क्लियरली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल द एक्स इन दिस रीजन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज, दिस फैक्टर इज नेगेटिव, तो ओवरऑल मॉड के अंदर क्या बना हमारा, नेगेटिव, और मॉड के अंदर नेगेटिव मतलब मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, हमारा इधर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, लास्टली वी आर एनालाइजिंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, थर्ड रीजन, इसमें क्या होगा, फॉर एक्स लेस देन माइनस वन, लेट से मैंने माइनस टू पकड़ा, इस रीजन का कोई भी एक एक्स, कोई भी एक एक्स पकड़ा, यू कैन सी ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये भी नेगेटिव होगा फॉर एक्स विच बिलोंग्स टू दिस रीजन, मतलब इस रीजन में से अगर मैंने एक्स लिया, मतलब माइनस वन से छोटा एक्स लिया, तो बोथ द फैक्टर्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट विल मेक पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, तो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, दैट्स इट. ठीक है, तो अब मैं एक साथ लिख लेता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू, देखो अब जो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, कब, एक तो माइनस वन से छोटे एक्स के लिए, तो उसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज, और इस रीजन के लिए भी यही डेफिनेशन आ रही है फंक्शन की, हमारे एफ इसकी एक्सप्रेशन की, तो इधर भी क्या, इधर क्या होगा, टू क्लोज से इन्फिनिटी, टू क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, आर यू गेटिंग इट, और हमारा क्या हो जाएगा,
जस्ट अ सेकेंड, ठीक है हाँ। और फिर मैं क्या बोलूँगा, दिस इज माइनस हमारा इस रीजन के लिए माइनस वन से टू, मतलब फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस वन से टू, इस रीजन के लिए क्या होगा, मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, सो वी आर गेटिंग माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, गेटिंग इट। सो दिस इज द माई आंसर। अभी लग रहा होगा कॉम्प्लिकेट मे बी, बट जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ ना, पाँच सेकेंड लगेंगे तुम्हें ये लिखने में, फाइव सेकेंड्स वैन इट, जब तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, और धीरे धीरे होगा, पहली बार पढ़ रहे हो ना, नई नई चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्व करने, बट बी विथ मी, ट्रस्ट मी, सब करवा के दूंगा तुमको, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये होगा कि हाँ तो एक दो दिन ज़्यादा लग जाएंगे मे बी। चलो आई होप क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो चलो अभी एक सिंपल सा एक और चीज़ देता हूँ मैं, अब तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, दो दो के दे रहा हूँ, एक सिंगल के दो के और एक आध ट्रिकी पार्ट दे रहा हूँ, तीनों टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो एक तो मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स प्लस नाइन, इसको तुम्हें ओपन करना है फर्स्ट, सेकेंड इज मॉड ऑफ एक्स प्लस नाइन इंटू एक्स माइनस इलेवन, प्रॉपर ओपन करना है, और एग्जाम्पल मॉड ऑफ एक्स, चलो एक्स ही रहने दो इधर, और एक्स माइनस वन, इसको ओपन करना है, इस एक्स को कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक्स माइनस जीरो, ठीक है ना, ऐसे ट्रीट करना, देखते कौन करता है, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, मैंने दो का ले लिया, तीन फैक्टर्स का ले लिया सॉरी, और फिफ्थ वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन, ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी ठीक है ना, ये बाकी प्रोसीजर है, दिस इज बिट ट्रिकी। सिक्स्थ, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर से ये भी हटा रहा हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना। देन कम्स मॉड ऑफ, और मैं ऐसे ले रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन, जस्ट ट्राई करना एक बार, ठीक है ना। देखो तुम लोग ये तो ये और ये तीनों तो बहुत आराम से कर लोगे, थोड़ा सा मे भी दिक्कत आएगा तो इन तीनों में आएगा, अगर आया तो, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं कौन का कितना आईक्यू है, पता चलेगा, रिप्लाई करना, ठीक है ना। एटलीस्ट दीज थ्री, मुझे तीन नीचे तीन क्वेश्चन आंसर पक्का चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है ना, गलत हो सही हो वट एवर, बट सॉल्व करके भेजो मुझे, ठीक है ना, और जो मैंने ग्रुप बताया उसमें भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट हाउ टू ओपन अवार्ड, और डोंट फ्रस्ट्रेट मत होना अगर मान लो कहीं दिक्कत हो, डाउट हो इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि पहली बार जब हम एनकाउंटर करते हैं मॉड बच्चे लोग तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे दो चार क्लास होंगी तो और आदत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ना जो हम मिसलेनियस पॉइंट्स कर रहे थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट कल हम कर रहे थे मिसलेनियस पॉइंट्स, ठीक है ना, मिसकंसेप्शन सब, तो उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखना है, मैंने बोला रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन या फिर रूट ऑफ एनीथिंग लिख लो, एक्सप्रेशन कीजिए एनीथिंग, ये क्या होता है हमेशा, दिस इज नॉन नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव ब्रैकेट बिल्कुल इफ डिफाइंड, इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं, नॉन नेगेटिव इफ डिफाइंड, नॉन नेगेटिव मैंने जैसे कि तुम्हें पहले बताया, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या जीरो, तो वो क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ एनीथिंग है ना वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, बस इतना है कि वो डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफाइन ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं होता, सो दिस इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, वो क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ एनीथिंग जो है दैट इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव और जीरो, मतलब जो रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन है इधर कुछ भी लिखा हो बट डिफाइन होना चाहिए, तो क्या होगा अगर वो डिफाइन है तो पक्का वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है ना, कोई भी चीज ले लो। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट जो जनरली 90% से ज़्यादा बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, इवन तुम लोग बताना मुझे, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 16, पॉज करो वीडियो और मुझे बताओ कि ये क्या होगा, पॉज करो और अपने नोट्स में लिखो व्हाट इज दिस। आई सॉ फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, 5-6 साल जो भी मुझे एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, उसमें मैंने देखा कि अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं इसको, प्लस फोर या फिर माइनस फोर, मतलब प्लस माइनस फोर, दैट इज रॉन्ग। क्यों भाई रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग इसलिए है
अगर रॉन्ग नहीं होगा ना तो हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. कैसे? अभी मैंने तुम्हें बताया कि रूट ऑफ एनीथिंग दिस इज पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी. बट अभी तो तुम बोल रहे हो माइनस फोर, तो गलत है ना. इसका मतलब माइनस फोर अगर होती तो हमारा ये ऊपर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता ना. तो बच्चे बोलेंगे सर हम बचपन में तो ऐसे ही करते थे. वो ऐसे नहीं करते थे, वो एक्चुअली थोड़ी अलग चीज़ दी हुई होती थी. वो क्या दी हुई होती वो भी मैं बताता हूँ. बट बिफोर दैट करेक्ट आंसर इज रूट 16 जो है दैट इज प्लस 4, यही करेक्ट है. माइनस 4 ये नहीं होता, ठीक है. तो सर जैसे अब तुम्हें, तुमने ऐसा आंसर क्यों बोला, मैं रीजन बताता हूँ उसका. हमें जो आदत होती है ना वो इसकी होती है. जैसे मान लो तुम्हें इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और अगर मैंने बोला दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 कॉमा माइनस 4, नाउ इट इज करेक्ट. इन दोनों में अंतर है, दोनों चीज़ों में क्या अंतर है. एक्चुअली जब मैंने इसको लिखा ना एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 4, मैंने कैसे स्टेप क्या था मेरा सॉल्व करने का, मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 16 कॉमा माइनस रूट 16. दिस इज द करेक्ट वे. अब रूट 16 तो पॉजिटिव ही है, रूट 16 इज 100% 4 ओनली. मैंने बोला दिस पार्ट इज 4. सिमिलरली रूट 16 ये तो एक पॉजिटिव नंबर होगा एंड दैट इज 4. बट माइनस प्लस तो ऑलरेडी पहले आ चुका है. तो x क्या हो गया प्लस 4 एंड माइनस 4. बट इधर मैंने तुम्हें क्या दिया था, इधर मैंने तुम्हें केवल रूट 16 दिया था विच इज 4 ओनली. लिख लो इसको बड़े बड़े अक्षरों में, दिस इज नॉट माइनस 4. द रीजन इज रूट ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव. अगर माइनस 4 होता तो ये गलत हो जाता ना स्टेटमेंट. क्लियर है? आई होप क्लियर होगा. और ये प्लस 4 माइनस 4 क्यों आता है, वो इस इक्वेशन से आता है एक्चुअली. क्योंकि हम क्या लिखते हैं प्लस रूट 16 माइनस रूट 16, रूट 16 तो हमेशा हमारे लिए 4 ही है, माइनस 4 कभी नहीं हुआ. वो तो प्लस माइनस ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है ना. पॉज करो, इस पॉइंट को पहले दिमाग में ऑब्जर्व करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना. अब मैं बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट पॉइंट पे. चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे अभी तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस भले ना पता चले बट लेटर ऑन तुम्हें पता चलेगा इसका, स्पेशली कैलकुलस में, ठीक है. तो क्या है देखना, क्या लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. जैसे अभी तक हम जो लिखते थे वो 10th तक मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको एक्स लिखते थे, विच इज रॉन्ग. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स. वीडियो पॉज करो, सोचो ऐसा क्यों, वाई इज इट सो, एज ये लिखना क्यों गलत है, थिंक इट वंस. अब मैं आता हूँ, मैं एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ पहले. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को इधर 2 डाला, तो हेयर यू आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ 4 विच इज 2, हेयर यू आर गेटिंग 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 परफेक्टली मैच कर रहा है फॉर एक्स पॉजिटिव. बट एक मिनट के लिए तुम एक्स को नेगेटिव नंबर डालो कोई. फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर डाला एक्स को नेगेटिव डाला, तो एक्स को नेगेटिव लेट से मैंने माइनस 2 ही डाला, तो व्हाट यू विल गेट इनसाइड द अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ माइनस 2 इनटू माइनस 2. मैंने बोला अगर मैंने इधर एक्स को माइनस 2 डाला तो अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर मिलेगा एक्स को माइनस 2. तो हेयर यू आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू माइनस 2, ये वाला 2 इक्वल्स टू माइनस 2 विच इज एब्सर्ड. 2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, इसका मतलब ये गलत लिखा है. तो करेक्ट वे क्या है, इसको लिख लेना एक्सप्लेनेशन का, वाई इट इज रॉन्ग, ठीक है. अब करेक्ट वे क्या है, एक मॉड की कमी है. काय की कमी है, मॉड की. कैसे लिखेंगे हम, देखो इधर द करेक्ट वे इज दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. दिस इज द करेक्ट वे. नाउ यू कैन पुट एक्स नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, दिस इज द 100% करेक्ट इक्वेशन, ठीक है ना. क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. तो अभी तो मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, मैं स्क्वायर की जगह कोई भी इवन रूट ले सकता हूँ जनरलाइज. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट अंडर रूट ऑफ, सॉरी, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4. यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, आई होप पता होगा. ये 4 लिखा है, इसका मतलब एक्चुअली क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 की पावर 1/4. दिस 4 करस्पॉन्ड्स टू पावर 1/4, जस्ट लाइक इधर बाय डिफॉल्ट 1/2 होता है. जैसे अगर मैंने लिखा अंडर रूट 6th रूट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6, दिस इज एक्स की पावर 6 की पावर 1/6. सो अकॉर्डिंग, अभी मैंने क्या बोला, जनरलाइज करूंगा, तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो मॉड एक्स. हम क्या करते हैं जनरली, एक्स की पावर 4 लिखते हैं, उसके बाद 1/4 लिखते हैं, 4 से 4 कैंसिल, वी आर राइटिंग एक्स. तो एक्स इज रॉन्ग, वी हैव टू पुट मॉड. जब भी इवन रूट होगा यू हैव टू पुट मॉड. जैसे और भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा
सिक्स रूट इवन है एक्स की पावर सिक्स, दिस इज अगेन मॉड एक्स। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूँ, इसको मैं जनरलाइज कैसे कर रहा हूँ देखना, 2m इधर लिख रहा हूँ x की पावर 2m, दिस इज मॉड ऑफ x, वेयर माई m बिलोंग्स टू इंटीजर, I पॉजिटिव इंटीजर। देखो अब m अगर मैंने इंटीजर डाला कोई भी, लेट्स से 1 डाला, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का पावर 1 बाय मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज मॉड x। मैंने m को 2 डाला तो ये क्या बनेगा, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 4 विच इज अगेन मॉड x। m को 3 डाला सिक्स्थ रूट ऑफ x की पावर 6 विच इज अगेन मॉड। तो दिस इज जनरलाइज्ड। अच्छा इवन का तो मैंने बता दिया, ऑड के लिए ऐसा कुछ है कि मॉड वगैरह नहीं, ऑड के लिए तुम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब इसको पहले कंप्लीट कर लो, कंप्लीट दिस पार्ट। अब मैं ऑड के लिए बता देता हूँ, ऑड वाले के लिए, ऑड वाले के लिए जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज सिंपली एक्स, नो नीड टू पुट नेगेटिव मॉड, सॉरी, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5 विच इज परफेक्टली एक्स, नो नीड टू पुट मॉड। सेवेंथ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 इज अगेन एक्स। तो इसको मैं जनरलाइज कैसे लिख रहा हूँ, इवन के लिए 2m प्लस 1 एक्स की पावर 2m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज जनरलाइज। अगेन माई m बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसे लिख लो क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर देंगे हम। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले दो। चलो तो थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5 इज एक्स, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों है, जैसे मैंने बोला तुम्हें माइनस 8 का क्यूब रूट, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 2, तो ये चलेगा क्योंकि क्यूब रूट जो होता है ना वो नेगेटिव हो सकता है। जो मैंने लिखवाया था ना रूट ऑफ एनीथिंग दैट जनरलाइज, अगर उसको लिखना है तुम्हें तो ऐसे लिख लो उसको, इवन रूट ऑफ एनीथिंग, तो इधर लिख लो इवन, इवन रूट ऑफ एनीथिंग दिस इज नॉन नेगेटिव। मैंने स्क्वायर रूट के लिए लिखवाया था, यू कैन मेक इट जनरलाइज, बट ऑड रूट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट विच इज ऑड रूट ऑफ माइनस 8 विच इज नथिंग बट माइनस 2, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट इवन रूट क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव या जीरो। चीज़ें क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो इसको कॉपी कर लो। चलो अब देखते हैं एक नया चीज थोड़ा सा, मैंने लिखा डोमेन, नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेन, क्या होता है डोमेन, सुनना ध्यान से, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा लिखा है कुछ एक्स माइनस टू, मान लो मुझे इस ये कोई एक्सप्रेशन है, दिस इज सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी, डोमेन क्या होगा, मतलब एक शॉर्ट डेफिनेशन तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना इसको भी तुम लिख लेना, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जो अलाउड वैल्यूज होंगी, मतलब हम इसमें एक्स क्या क्या रख सकते हैं, so that this expression is defined, all those x values ka complete set is my domain, likh lete chalo, likh lo domain is, fir samajhte hain, domain is set of values of variable, theek na, generally usually we take x, to main bracket pe likh raha hu usually x, zaruri nahi hamesha x ho, usually x hota hai, theek hai na, domain इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब x की वो वैल्यूज फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, गेट इट, मैंने डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब यूजली x, फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, मतलब एक हिंदी में बोलूं x की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, उस उन x की वैल्यू उसके कंप्लीट सेट को वी आर कॉलिंग इट एज डोमेन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर लिखा, मैंने लिखा लेट्स से दिस इज माय x का सम एक्सप्रेशन, तो इसको डिफाइन होने के लिए x क्या क्या रख सकता हूँ, तो पहले मैंने बोला क्या नहीं रख सकता, कुछ से पूछा तो मेरे को आंसर मिलेगा 2 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि अगर 2 रख दिया इधर तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड 1/0 इज अनडिफाइंड, कल ही हमने देखा था। तो व्हाट आई विल से कि एक्सेप्ट 2 आई कैन पुट एनी x, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज, तो मैं सिंपल कैसे यूज करूंगा, आर
एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू मतलब इसमें से टू हटाना है तो कर्ली ब्रैकेट टू, क्योंकि टू इज अ सिंगल एलिमेंट, सो आई यूज डिस्क्रीट सेट। समझ में आया क्या बोला मैंने? बोला इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या बोला? अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। अब मैंने देखा कि ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, मैंने बोला पहले तो मैंने उल्टा बोला, उल्टा ऐसे देखा कि ये कब डिफाइन नहीं होगा, तो आई एम गेटिंग ये टू पे डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई टू पे? क्योंकि टू पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब टू नहीं रख सकता मैं इसमें, मतलब ऐसे लिख लो इसमें टू नहीं रख सकता, इसमें इसमें इस एक्सप्रेशन में लिख लो, या फिर इसमें टू नहीं रख सकता, टू नहीं रख सकता, टू के अलावा कुछ भी रख सकता हूं। तो क्या बोलूंगा? डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू, गेटिंग? क्योंकि डोमेन मैंने वही बोला था कि अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो और बढ़ते हैं, ये तो क्या एग्जांपल वन, तो इसको मैं डोमेन बोलूंगा, दिस इज डोमेन आर माइनस टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने लिखा वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बोलो अब तुम क्या होगा? अब अगेन मेरा फोकस कहाँ गया? डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर पे क्या लिखा है? एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका मतलब एक्स वन भी नहीं रख सकता, टू भी नहीं रख सकता, बिकॉज वन और टू दोनों पे ही डिनोमिनेटर इज गेटिंग जीरो। सो नाउ माई डोमेन विल बी वॉट? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन एंड टू। तो वॉट माई डोमेन इज? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ वन और टू, एक्सेप्ट वन एंड टू। आई होप क्लियर हुआ होगा। और बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं छोटे मोटे, पॉज करो इसको कॉपी कर लो। जैसे मैंने लिखा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, करो इसको, व्हाट इज द डोमेन? तो मैंने देखा डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है? दो एक्स की वैल्यूज के लिए हो रहा है, एक तो प्लस टू एंड माइनस टू, तो एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज आई कैन पुट ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्या लिखूंगा मैं डोमेन? आर माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस टू कॉमा टू, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैंने लिखा वन अपॉन, चलो ऊपर लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब बताओ डोमेन, डोमेन क्या होगा? व्हाट इज द डोमेन? वी हैव टू फोकस ऑन डिनोमिनेटर, बिकॉज न्यूमिनेटर तो जीरो तो चलता है, तो ना वन मैं इसमें रख सकता हूँ, हाँ वन रखूंगा तो दिस विल बी जीरो, तो विच इज डिफाइंड ना, जीरो इज अ डिफाइंड क्वांटिटी, तो वन तो रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता? अगेन आई कैन नॉट पुट टू एंड थ्री, बिकॉज इफ आई विल पुट टू और थ्री द डिनोमिनेटर इज गेटिंग जीरो, एंड वन अपॉन जीरो इज मतलब सम फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? माय डोमेन इज आर माइनस टू वैल्यूज, जो हटाना है मुझे टू एंड थ्री, आर माइनस कर्ली ब्रैकेट टू कॉमा थ्री। क्लियर हुआ बच्चों? और करते हैं, मैंने लिखा नेक्स्ट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। नाउ व्हाट इज द डोमेन? जस्ट डिनोमिनेटर फोकस करो, क्या नहीं रख सकता? टू थ्री फोर नहीं रख सकता, तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू थ्री फोर, यानी कि वन रख सकता हूँ, वन पे न्यूमिनेटर जीरो होगा, विच इज़ ओके, नो प्रॉब्लम फॉर मी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम एक्स की वो वैल्यूज देखेंगे जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है ना? तो एक तो ये कैटेगरी होगा, और डोमेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, रूट वाले देख लेते हैं, रूट वाले देखना। अभी सिंपल ले रहा हूँ, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूँगा जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने कहा रूट ऑफ एक्स माइनस टू, व्हाट इज द डोमेन? जस्ट थिंक इट, एक बार खुद से सोचो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना? मैंने क्या बोला था अभी, हमने कुछ देर पहले रूट पढ़ा था, इवन रूट, तो ये टू, ये स्क्वायर रूट है, मतलब इवन रूट है, तो मैंने क्या बोला था? रूट ऑफ एनी थिंग को डिफाइन होने के लिए जो अंदर की क्वान्टिटी है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अंडर रूट ऑफ एनी थिंग लिखा है ना, ये डिफाइन कब होता है? जब ये चीज़ जीरो या पॉजिटिव हो। ओवरऑल तो ये मेरी पॉजिटिव होती है, जीरो या पॉजिटिव तो होती है, ये तो पता ही हमें, बट रूट को डिफाइन होने के लिए, नाइन टेंथ में ही पढ़ते हैं हम, फॉर अंडर रूट टू बी डिफाइन, रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने बोला कि इसको डिफाइन होने के लिए ये जो क्वांटिटी है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तभी रूट डिफाइन होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करूँगा, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो दिस इज वॉट माई डोमेन।
मतलब इसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, टू या टू से बड़ी क्वांटिटीज, टू या टू से बड़ी क्वांटिटीज मैं इसके अंदर रख सकता हूँ। सुनो बॉटल, टू या टू से बड़ी क्वांटिटीज मैं इसमें रख सकता हूँ। अगर टू से छोटी रखी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वन रख दिया मैंने, यू कैन सी वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड। और मैंने डोमेन क्या बोला था, एक्स की अलाउड वैल्यूज, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा गिवन एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। तो इधर क्या मिला, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू डालोगे तो ये हमेशा डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल थ्री डालो, फोर डालो, फाइव सिक्स, 3.5, 3.6, कुछ भी डालो, टू या टू से बड़ी। तो मैं इसी को सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x belongs to 2 से infinity है ना, greater than equals to 2, तो 2 close से infinity open, x greater than equals to 2 मतलब 2 close से infinity open, getting it? चलो और देख लेते हैं, चलो इसी का एक ट्रिकी पार्ट, मैंने लिखा 1 upon, अब मैं डिनोमिनेटर में ले गया x minus 2, दोनों में अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, क्या है वो अंतर, पॉज करके एक बार तुम लोग सोचो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब डोमेन में क्या डिफरेंस आने वाला है बताऊं मैं। देखो रूट के कारण तो क्या होना चाहिए, रूट को डिफाइन होने के लिए, रूट को डिफाइन होने के लिए x माइनस टू जो है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो आना चाहिए, तो उससे तो मेरे को ये मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। बट क्या यही मेरा डोमेन होगा इस क्वेश्चन का, क्या ये करेक्ट है, आंसर मिलेगा नहीं। पॉज करो और तुम सोचो कि ये गलत क्यों है, अब बताऊं मैं गलत क्यों है, ये गलत इसलिए बिकॉज ऊपर वाले में हम 2 रख सकते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल एलिमेंट 2, बट नीचे 2 नहीं रख सकता, 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 विच इज नॉट डिफाइंड, हेंस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा डोमेन क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, x ग्रेटर देन 2, इक्वालिटी विल नॉट कम हियर, उधर चल रहा था 2 पे 0 हो रहा था चलेगा, बट इधर नहीं चलेगा बिकॉज इधर अगर 2 लग दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2, तो इसको मैं डोमेन सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2 ओपन से इन्फिनिटी ओपन, गेटिंग इट, 2 ओपन से, इधर 2 क्लोज है इधर 2 ओपन है, इंपॉर्टेंट है ये, इधर 2 रख सकते हैं मतलब x की वैल्यू 2 भी है, इधर नहीं रख सकते, x डज नॉट बिलोंग टू 2, इट इज 2 ओपन से इन्फिनिटी, गेटिंग इट, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना है इसको। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो बहुत छोटा था, लॉजिकल, अगेन लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, देखना मैंने बोला डोमेन 1 अपॉन लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1, करो सोचो को सोचो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जस्ट थिंक इट वंस, बताऊँ मैं, द आंसर फॉर दिस इज एक्स बिलोंग्स टू, लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब x मैं इधर कुछ भी रख सकता हूँ, क्यों रख सकता हूँ, बिकॉज द रीज़न इज, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो एक नॉन नेगेटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये जो एक्स स्क्वायर है दिस इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव, और उसमें अगर मैंने वन ऐड कर दिया प्लस वन कर दिया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर मेरा हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर मेरा हमेशा पॉजिटिव है, थैंक यू, डिनोमिनेटर मेरा हमेशा पॉजिटिव है तो मैं क्या करूं, जीरो तो कभी होएगा ही नहीं ना, तो मैं तो एक्स को कुछ भी रखूं, गेटिंग इट, मैंने क्या बोला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो इधर एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर तो एक जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है वो, तो उसमें अगर मैंने वन ऐड किया तो ओवरऑल डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो जीरो तो कभी होगा नहीं डिनोमिनेटर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए आई कैन पुट एनी एक्स, दैट मीन्स माई एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज वॉट डोमेन, थोड़ा सा ट्रिकी था, छोटा सा पार्ट था। चलो अब मूव करते हैं एक छोटा सा पॉइंट अगेन इसी के अंदर, रूट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इज रूट, आर डबल ओ टी, रूट क्या होता है, बहुत छोटी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, रूट हुआ और इससे पहले जैसे हमने अभी डोमेन देखा, इन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन हमारा होगा कैलकुलस में, इन दैट फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंक्शन, बहुत डिटेल, ये तो मतलब हम बहुत सुपरफिशियली टच कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने रूट तुम्हें ये बताया, क्या बोलते हैं डोमेन, अभी हमने कितना मिनट पढ़ा होगा, 10-12 मिनट पढ़ा होगा डोमेन, यही चीज़ हम पढ़ेंगे 4 घंटे के अराउंड,
तो सोचो कितना डिटेल में जाना है हमें डोमेन्स में, ठीक है ना। तो इसलिए अभी हम केवल एक सुपरफिशियल टच कर रहे हैं, सो दैट छोटी छोटी चीज़ें बीच में आती रहें, तो यू शुड नॉट, तुम्हें एकदम अननोन टर्म्स ना लगे, ठीक है ना। इसलिए टू गेट इट फैमिलियर विद, मतलब इन सब टर्म्स से तुम्हें फैमिलियर करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, नाउ कम्स रूट। रूट क्या होता है, देखो पहले लिख लो इसको, डेफिनेशन लिख लो, द वैल्यू ऑफ लेट मी चेंज द मार्कर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब ऐसे लिख लो, वेरिएबल छोड़ो, एक्स ही लिखो डायरेक्टली, अभी एक्स लिख रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो। मैंने बोला एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो, वी आर कॉलिंग इट एज रूट। मतलब हिंदी में कैसे बोलूंगा, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड रूट ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स माइनस टू, मैंने बोला इसका रूट क्या होगा, तो मैं x की क्या वैल्यू इसमें डालूं कि ये चीज़ जीरो हो जाए, x इज इक्वल टू टू, तो मैं बोलूँगा इसका जो रूट है दैट इज टू। गेटिंग इट, बहुत छोटी सी चीज़ है रूट, मतलब x की वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। अगर तुम्हें लिखना है हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, मराठी में लिखना है मराठी में लिख लो, इन विच एवर यू आर कम्फर्टेबल। मैंने बोला x की वो वैल्यू जिसके लिए माई एक्सप्रेशन इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री, नाउ देर आर टू रूट्स, x की वैल्यूज जिसके लिए ये चीज़ जीरो हो जाए। कब जीरो होगी ये, जब x को टू डालूंगा तब भी जीरो होगी, थ्री डालूंगा तो भी जीरो होगी, तो मैं क्या बोलूंगा इसके रूट, देयर आर टू रूट्स एंड द रूट्स आर 2, 3। गेटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने और लिख लिया x प्लस वन इंटू x माइनस थ्री इंटू x प्लस फोर, हाँ फिर मैंने बोला इसके रूट्स क्या होंगे, तो ये जीरो कब कब होगा, वेन x इज माइनस वन, बिकॉज ये फैक्टर जीरो हो जाएगा माइनस वन पे, तो एक तो माइनस वन आ गया, फिर ये फैक्टर जीरो कब हो रहा है, थ्री पे, तो एक रूट थ्री आ गया, बिकॉज ये जीरो हो गया मतलब पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये फैक्टर जीरो कब होगा, वेन x इज माइनस फोर, सो इज माइनस फोर, सो देर आर थ्री रूट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। गेटिंग इट, क्लियर हुआ। तो अब यही चीज उधर मैंने बोली थी तुम्हें, किधर, जब मैं बोल रहा था कि हाउ टू ओपन अ मॉड, फॉर एग्जाम्पल लेट से, चलो इसी को मैं एक इलस्ट्रेशन के तौर पर बता रहा हूँ, सुनना, जैसे मैंने इसी को एक क्वेश्चन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ओपन दिस मॉड, ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, क्या करते थे हम, इन तीनों फैक्टर्स जहाँ जहाँ जीरो हो रहे हैं, मतलब उधर मैंने रूट वर्ड यूज़ किया था, फिर मैंने बोला था कि आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज रूट, क्या करते हैं हम, इनके जो ये जो फैक्टर्स लिखे ना, इन्हीं के रूट्स आई विल प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल इसका माइनस वन इधर आएगा, फिर थ्री इधर आएगा, फिर माइनस फोर इधर आएगा, तो ऐसा मतलब क्या कर रहे हैं, बेसिकली रूट्स को प्लॉट कर रहे हैं। एक बार रूट को प्लॉट कर दिया, अब इसने मेरा क्या किया, इसने मेरे पूरे रीजन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री एंड रीजन फोर। गेटिंग इट। अब क्या करेंगे हम, अलग अलग रीजन के लिए एनालिसिस करेंगे, मतलब फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एंटायर थिंग इज पॉजिटिव इनसाइड द मॉड, तो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, जो मेरा एक्सप्रेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। गेटिंग इट, लाइक दिस वे यू हैव टू ओपन इट। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसमें एक तीन वाला भी दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली रूट्स को प्लॉट करते हैं, जैसे तीन रूट्स हैं तो क्या करेगा, वो पूरे रियल एक्सिस को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, अगर दो रूट्स हैं तो पूरे रियल एक्सिस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक सिंगल रूट है तो क्या करेगा, वो एक ही दो पार्ट में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखना है मुझे, तो क्या करूंगा, एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो टू से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो इधर कैसे ओपन होगा, एक्स माइनस टू की तरह। फॉर एक्स इधर नेगेटिव होगा ये चीज, तो इधर होगा माइनस थैंक्स एक्स माइनस टू की तरह ओपन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इनिशियली स्टेज में रूट्स को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, और फिर एनालाइज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, बेस्ड ऑन जैसे कुछ बच्चों का डिमांड था कि इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह का थोड़ा से कुछ क्वेश्चन और चाहिए, तो लेट मी गिव यू सम मोर इलस्ट्रेशंस ऑन दैट, ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन।
ठीक है ना, वो चारों चीज निकाली इन ऑल द पार्ट्स, ए माइनस बी ए प्लस सॉरी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इन ऑल द केसेस. प्रॉपर देखना क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, गलती मत करना ठीक है. मिक्स एग्जांपल दे, डिस्क्रीट वाला देता हूँ, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सेट के. तीन सेट ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना. चलो तीन सेट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना. मैं ये ले लेता हूँ माइनस फाइव से सिक्स क्लोज, बी सेट इज लेट्स से ज़ीरो ओपन से टू क्लोज, एंड लेट्स से सेट सी इज वन ओपन से सेवन क्लोज, ठीक ना. दिस इज डिफरेंट फॉर यू, ठीक है ना. बाकी टाइप के तो हमने किए हुए, थोड़ा सा अलग होगा. तो इसमें क्या क्या निकालना है तुम्हें, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस, एंड सेकेंड पार्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस पर्टिकुलर. आई एम सेइंग इन रेस्ट ऑल सिक्स व्हाट यू हैव टू डू, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी बी माइनस ए, ठीक है ना. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट फॉर सिक्स, एंड द लास्ट वन यू हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इसमें ये दो ही पार्ट निकालो, ठीक है. ये तो चलो लिख लो, और भी पार्ट्स इसमें क्या क्या कर सकते हो, ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी, फिर बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, ये सारे पार्ट्स निकालो फॉर द लास्ट वन, ठीक है ना. सो आज के लिए अपन एंड अप करते हैं, और प्रॉपर अब जो इनइक्वालिटी स्टार्ट होगा. अभी तक क्या किया हमने, बहुत बेसिक पार्ट कवर किया है. अब जो इस चैप्टर का मेन मोटिव था, दैट इज inequalities, वो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू.